हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आप सभी के NIOS DLED स्वयं के MCQs टेस्ट को देखेंगे। आज 16 जुलाई है, 16th July 2018। आज आप सभी के स्वयं के वेबसाइट पे और स्वयं की ऐप पे आपके टेस्ट स्टार्ट हुए हैं। कोर्स नंबर 504 में, वीक नंबर 5 में सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स में आपसे पूछे जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड बटन पर क्लिक करें, बेल की बटन को प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। और सभी के सभी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। एनी स्टेटमेंट विच इज़ वैलिडेटेड बाई यूजिंग द सेम स्टेटमेंट यूजिंग प्रपोज्ड इटरेशन ऑफ लॉजिक इज नोन एज। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, इंडक्टिव अप्रोच। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इफ गिवन स्टेटमेंट इज नॉट यूज इन प्रूविंग इट बट वी यूज अ डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ वैलिड लॉजिक एंड अराइव एट द रिजल्ट, दिस मेथड ऑफ प्रूविंग द स्टेटमेंट इज नोन एज। सही आंसर होगा इसका डिडक्शन, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन काफी बड़ा है और काफी लॉजिकल है। तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 to 10 इज बेस्ड ऑन बिलो सिचुएशन, यानी क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है सिचुएशन, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप सभी नीचे PDF आपको दिए गए हैं, वहां से आप जाके इसे पढ़ सकते हैं। अपने स्वयं के ऐप में भी आप जाके इसे अच्छे से पढ़े। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मैथमेटिक्स इज अ सीक्वेंस ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट ड्रॉइंग अ प्रिसाइज कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच कैटेगरी रोमिताज वर्क विल बी केप्ट। ऊपर जो आपको दिया गया है पूरा का पूरा सीक्वेंस, पूरा पैराग्राफ, इसमें रोमिता एक कैरेक्टर है और सही आंसर होगा इसका मैथमेटिकल थिंकिंग, मैथमेटिक्स के ऊपर ये पूरा स्टेटमेंट दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, विच मेथड इज अप्लाइड बाय रोमिता इन कमिंग टू हर कंक्लूजन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डिडक्शन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, रोमिताज थिंकिंग वाज। सही आंसर होगा मैथमेटिकल, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, विच अप्रोच वाज अडॉप्टेड बाय रोहन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंडक्टिव अप्रोच वाज अडॉप्टेड बाय रोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्जर्विंग अ पैटर्न बाय रोहन वाज। सही आंसर होगा मैथमेटिकल एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, रोहन कंक्लूजन वाज एग्जैक्ट एंड लेफ्ट नो स्कोप ऑफ एम्बिग्विटी अंडर विच कैटेगरी सच नेचर ऑफ मैथमेटिक्स कम। सही आंसर होगा प्रीसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन है ये, 10th नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सही आंसर होगा इसका, इंडक्टिव अप्रोच इज यूज्ड फॉर स्टेटमेंट रिलेटेड विद पॉजिटिव इंटीजर ओनली। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं आपको ऊपर के स्टेटमेंट को देखकर। तो आप एक बार ऊपर वाले स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे, नीचे PDF आपको दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको PDF की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप PDF डाउनलोड करें। और ये वीडियो हिंदी में भी आपके चैनल पे अपलोड कर दी गई है, उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। 16 जुलाई की ये टेस्ट है, 2 जुलाई की टेस्ट की वीडियोज़ भी आपके चैनल पे अपलोडेड हैं, आप उन वीडियोज़ को भी देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो भी वीडियोज़ मिल जाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जाने से पहले सभी वीडियो लाइक ज़रूर करेंगे। जय हिंद, लॉन्ग लिव इंडिया।